अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। एक बार फिर से हमारी शादी हमारा इंतजार कर रही है, मतलब हम लोग एक फिर से शादी में जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की नेमत है, हमारा इंतजार कर रही है। और असल में ये शादी की दावत जो है, जो मेरी मामू की लड़कियाँ है ना, वो मुझे अपने साथ में ले जा रही है। दावत उनके यहाँ आई है, मैं तो बिन बुलाए बराती की तरह जा रही हूँ। मतलब वो बोल रही है बाजी साथ में चलते हैं, मैं कि चलो चलते हैं, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो मैं साथ और हम दोनों मामू की लड़कियाँ साथ में जा रहे हैं फ्रेंड। चलो बहुत इंजॉय करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे। बस मैं साथ तो चला गया है नीचे, मैं बस ताला लगा के चलती हूँ। आज की भीड़ इतनी है बस, 1 2 3 4 और ये सवा चार आए, इतने ही लोग हैं बस। रिक्शा कर लेते हैं, रिक्शा करते फिर चलते हैं। रिक्शे में ठुस ठुस आ गए हम लोग ना शादी में तो आए फ्रेंड, लेकिन ना हॉल कंफर्म कर रहे हैं कि शादी का जो हॉल है वो कौन सा है, नाम भूल गए। तो ये अपने हस्बैंड को फोन करके पूछ रही है कि शादी का जो हॉल है वो किधर है। तो और हम खड़े हैं आगरा के मॉल के सामने, TDI मॉल, उजड़ा हुआ मॉल हो गया है फ्रेंड, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब ऐसी दावत में आए, हॉल पता कर रहा है। हाँ मेट्रो स्टेशन फ्रेंड, हमारा आगरे का क्या है, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो चलेगी। चेहरा रेड रेड आ रहा है फ्रेंड हमारा, क्योंकि पीछे लाइट लगी है गुलाबी कलर की इसलिए। और ना इतना मतलब शर्म आ रही है, हम लोग इतना जल्दी आ गए ना, पब्लिक की नहीं, जो घर के दो चार लोग हैं और जहाँ तक है। और हम लोग इतने बहराते हैं, पता नहीं शादी में आने का, जब इतनी दावतें खाते हैं पता नहीं क्यों अपनी बेइज्जती करते हैं हम लोग। अभी यकीन मान लो पीछे लाइट चालू नहीं हुई है, घर के दो चार लोग, घर के भी कम लोग हैं और ना एकदम सन्नाटा है। इतनी जल्दी आके बैठ गए फ्रेंड, बताओ हद हो गई। और लाइट भी नहीं लगी है, लाइटें भी लगी हुई, देखो सब पीछे की तरफ अंधेरा पड़ा हुआ है। इतना घबराते हैं हम लोग, तो जल्दी आ जाते हैं। और ये जल्दी लाने वाली, ये हमें जल्दी लेके आएगी, जल्दी चलो जल्दी चलो। आज ही तो लाई हूं, वैसे गाड़ी से जी आती है। जल्दी लाई है हमें, क्या करें बताओ। हमें ऐसा लग रहा है हम लोग ना गलत गार्डन में आ गए हैं। तो अभी ये ना नाम कंफर्म किया है ना, तो वो वाला गार्डन है जहाँ जाना था ना, वो आ गए। तो अभी हम वापस उस गार्डन में जा रहे हैं फ्रेंड। इतनी बेइज्जती हो रही है, शर्म भी लग रही है। हालांकि क्या तो कोई कुछ नहीं रहा, लेकिन ये शर्म सी लग रही है। ऐसा हम लोग कन्फ्यूज हो गए कौन सा गार्डन, और क्योंकि दोनों गार्डनों के नाम ना मिलते जुलते हैं। शादी में पहुंचने के बाद फ्रेंड खाना स्टार्ट होने में बहुत टाइम था, 7 को लग रही थी भूख। और सामने दिख गया भाई बड़ा पाव। बड़ा पाव तो समझ लो 7 की जान है, उसको बहुत पसंद है और आगरा में जल्दी मिलता भी नहीं है। उसको मिला, फिर मैंने उसको बड़ा पाव दिलाया और हम लोगों ने मिल, भूख बहुत तेज लग रही है, नाश्ता करके नहीं आए थे हम लोग, तो हम लोगों ने बड़ा पाव ले लिया। और 7 का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है बड़ा पाव। आ जा बेटा, पहले रोड पार कर दे, मेरे हाथ पकड़ ले मम्मा का। सब तरफ घूम घाम के फ्रेंड हम वापस उसी हॉल में आ गए, क्योंकि हम जब पहले आए थे, चुप रहे, हम पहले आए थे तो सही हॉल में आए थे, लेकिन जो उस टाइम पे हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे तो हमको थोड़ा डाउट हो रहा था कि ऐसा ना दो हॉलों के नाम ना मिलते जुलते हैं, तो कंफ्यूज हो रहे थे। तो सारा कन्फ्यूजन आज, और वो भी दोनों, हाँ इसके पास में दूसरा हॉल है जिनके नाम मिलते जुलते हैं। तो अभी हम लोग ना मतलब आता पता करके सब कन्फर्म करके सही पते पर आ गए, जहाँ पहले आए थे वही सही पता था। लाइट भी जल गई, अब अच्छा लग रहा, लाइट जल गई। फिर हम लोग तीनों बैठ गए थे, मैं कि चलो बैठ के बातें करते हैं, खाना जब स्टार्ट होना होगा हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था पता नहीं क्यों, तो मैं तो भैया पैर ऊपर करके सोफे पे आराम से बैठ गई थी। मैंने सोचा चलो टाइम तो लगेगा, क्योंकि लाइट भी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो खाना ही क्या स्टार्ट होगा। लेकिन खाना खुल गया है फ्रेंड, अब हम लोग जा रहे हैं सब खाना खाने के लिए। खाना मतलब वो पानी पूरी ये सब खुल गया है, स्टार्टर। और यहाँ पर हम लोगों ने अपना जो मेन खाना था ना, बिरयानी कोरमा तंदूर की रोटी, वो स्टार्ट कर दिया था। और बिरयानी माशाल्लाह से फ्रेंड बहुत अच्छी बनी थी, और मैंने तो ना सालन रोटी छोड़ के बिरयानी खाई थी मैंने, और मेरी बहन जो सना है उसने, हम लोगों ने एक ही प्लेट में शेयर किया खाना और बहुत अच्छे से पेट भर के खाया। खाना
खाना खाने के बाद फ्रेंड हजम करना भी ज़रूरी है, तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ताकि खाना डाइजेस्ट होया अच्छे से। और ये ना आज मैं जो शादी में आई हूँ ना, इसकी वजह से मेरी जो मामू की लड़की आती है सना सलीना, मैं उनकी वजह से आई हूँ, और वो हमेशा मेरे को सपोर्ट भी करती हैं फ्रेंड। मुझे अच्छा लगता है, देखो जब कोई इंसान कुछ काम करता है ना, कोई भी काम हो, मैं ब्लॉगिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपका कोई भी काम हो सकता है जो आप करते हो, जब आपके आस पास के लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके संग आपको सपोर्ट करते हैं, मतलब तो अच्छा लगता है। तो ये मेरी मामू की लड़कियाँ हैं, मुझे शादी में लेके गई और साथ में वीडियो बनवाती हैं ताकि चलो मेरा ब्लॉग बन जाएगा। बोलती भी हैं अरे बाजी आज तो तुम्हारा ब्लॉग बहुत अच्छा बनेगा। तो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड के ऐसे, चलो मेरे साथ आसपास के ऐसे लोग हैं। अब सही है, वो खाने के हाथ लग जाती है ना कैमरे पे, तो उससे थोड़ा चिकना चिकना हो गया था। खैर कोई नहीं, बस साथ का फर्स्ट एग्जाम है, साथ के फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं कल से, तो साथ उसकी तैयारी करेगा, पढ़ेगा। सुबह भी उसको जल्दी उठा दूंगी मैं, सुबह भी याद करेगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में अब जितना पढ़ो ना फ्रेंड, तो लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। साथ आ जा, जल्दी आ जा फ्रेंड, बस दुआ दीजिए साथ को। साथ का आज पहला एग्जाम है, फाइनल एग्जाम में पहला एग्जाम है इसका, आगरे में। नहीं नहीं किस चीज़ का? कंप्यूटर आर्ट। कंप्यूटर और आर्ट का इसका आज एग्जाम है फ्रेंड। इसकी जितने घबराहट और नर्वस ये है ना फ्रेंड, वैसे तो ये याद है सब इसको, लेकिन फिर भी फाइनल एग्जाम में कहते हैं ना कितना भी याद कर लो तो ऐसा लगता है कि भूल ना जाए भूल ना जाए। तो बस साथ का पहला पेपर है, उसको आप दुआ दीजिएगा कि अल्लाह इसको कामयाबी दे, इसके सारे पेपर अच्छे से जाए। जाओ अल्लाह आपको कामयाबी देगा बेटा, आराम से लिखना, राइटिंग पर ध्यान देना, राइटिंग अच्छे से समझ गए, क्योंकि बेटा फाइनल एग्जाम है, टीचर एक ही चीज के फिर नंबर कटते हैं। अच्छा हाँ तो ठीक है, आप उसी रूल के हिसाब से चलना। मैं भी पता है फ्रेंड, सच्ची बता रही हूँ, घबरा रही हूँ, अल्लाह इसका पेपर अच्छे से जाए, सारे अच्छे से जाए। आज स्टार्ट हो गए इसके पेपर। हाँ साथ के आने का टाइम हो ही रहा है, 1 बजे पेपर खत्म हो जाएगा, अभी 1 बजने में 10 मिनट है, 10-15 मिनट बाद वो आ जाएगा, तो उससे ज़्यादा फ्रेंड मैं घबरा रही हूँ जैसे कि मेरे पेपर चल रहे हो। और हमेशा ऐसा ही हुआ है जब भी साथ के फाइनल एग्जाम चलते हैं, मतलब फाइनली कोई भी एग्जाम हो टेस्ट हो, मेरे को बड़ी घबराहट रहती है, मेरे अल्लाह बच्चा याद रखे, अल्लाह मेरा बच्चा कहीं भूल नहीं जाए, वो मेरी टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं 1 महीने फ्रेंड मेरी हालत खराब ही रहने वाली है, क्योंकि लास्ट 30 अप्रैल तक उसके एग्जाम है, 30 अप्रैल को उसका रिजल्ट आए, तो बस मार्च के लास्ट तक उसके एग्जाम चलने वाले हैं। बस अल्लाह उसको हिम्मत दे और अच्छे से सब कुछ याद करके वो भूले ना बस। तो उसके मैं सोच रही थी बहुत स्ट्रेस में होगा ना, बच्चे होते ही है यार, मैं भी स्ट्रेस में ही हूँ, तो मैंने सोचा इसके आज फेवरेट ना खाना बनाती हूँ कीमा, उसको कीमा बहुत पसंद है फ्रेंड, तो मैंने कीमा बनाती हूँ, साथ में उसको ना पाव पसंद है कीमे को, क्योंकि मैं मुंबई का है, मुंबई की पैदाइश है, मुंबई का बच्चा है, तो उसको ना रोटी से ज्यादा ना चावल और कीमा ज्यादा पसंद, वही सॉरी पाव ज्यादा पसंद है। अब मैंने सोचा चलो कीमे कीमा तो मैंने बना दिया, पाव बाजार से लेके आती हूँ, तो मस्त उसको आज अच्छा सा लंच देती हूँ ताकि उसका स्ट्रेस कम हो जाए और वो खुश हो जाए। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ, कीमा भुनने जा रहा है, हरी मिर्च और प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मैं ना ऊपर से डाल दूंगी इसको, ज़्यादा मतलब सूखा सूखा से बनाऊंगी कीमा, और पाव में लेके आती हूँ, तो बस तैयारी चल रही है उसकी। हाँ तो मैंने बना दिया है फ्रेंड, अब मैं जल्दी से जाकर उसके लिए पाव लेके आती हूँ मैं, क्योंकि बच्चा मेरा भूखा आ रहा हुआ। पाव तो मिल गए हैं फ्रेंड मुझे, आगरा के पाव ऐसे ही होते हैं, मुंबई के थोड़े अलग होते हैं, तो जब नीचे उतर गई हूँ तो अम्मी से ही मिलके चलती हूँ फिर मैं। पाव लेके फ्रेंड मैं घर पे आ गई, तो मैंने सोचा सादा पाव नहीं देती हूँ मैं, अब जब इतनी मेहनत कर ही रही हूँ उसके लिए कीमा वगैरह मैंने बनाया ही है, तो उस पाव को मैं तवे पे मस्का लगा के मक्खन लगा के सेक के देती हूँ ताकि वो अच्छे से उसका पेट भरे। मैं आपसे क्या ही तारीफ़ करूँ, इतना अच्छा कीमा बनाया और साथ में पाव के साथ, पाव को मैंने मक्खन से सेक लिया है फ्रेंड, ऐसे सादा सादा नहीं है, इसको मैंने अच्छे से मक्खन लगा के ज़्यादा से सेक लिया, साथ तो खुशी के मारे गिर गया करो, मम्मा इतना टेस्टी लग रहा है ना, और साथ को ना कीमा पाव बहुत पसंद है, मुंबई में तो बहुत खाता था साथ ना, ऐसा लग रहा है फ्रेंड खाए चलो आप भी ना मेरे कहने पे ना एक बार कीमे को ना पाव के संग, पाव को मस्के के संग सेक के ट्राई करना, फिर आप मुझे याद करोगे। ऐसा खाए चले जाओ, खाए चले जाओ, पाव कब मिले यार, मेरी दुकान में पाव नहीं थे, 5 है।
मैं नमाज पढ़ के खाऊंगी, बस टेस्ट करने बैठ गई। फिर दोपहर की फ्रेंड मैं नमाज़ पढ़ के बैठी थी तो मैं पंसूरा पढ़ लेती, और आज अम्मी ने मेरे घर पे अचानक आके मुझे सरप्राइज़ दे दिया। वैसे तो मैं अम्मी से फ्रेंड रोज़ ही मिलके आती हूँ, कभी एक आधे दिन ऐसा होता है जो अम्मी से मिलके नहीं आती हूँ, लेकिन जब अम्मी मेरे घर पे आती है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। आज तो अम्मी आ गई थी अचानक से बिना बताए, मुझे पता भी नहीं था कि अम्मी आ जाएंगी। वो आती नहीं है ना, जब आती है तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड मेरे मुझे कि आई थी, वो बैठी, बहुत सारी बातें करी, और बहुत उनको ना मेरे से बातें करके उनका दिन हल्का हो जाता है। तो वो आ जाती हैं ऐसा, लेकिन आज आई मुझे अच्छा लगा। जाहिर सी बात है अपनी माँ से मिला, जबकि मैं रोज़ देखती हूँ उनके घर पर जाकर, लेकिन जब वो मेरे घर पे आती है ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। खैर कोई नहीं, अभी वो चली गई है, चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, असर के टाइम पे ही उठूँगी अब मैं। फिर हम लोग खाना पीना खा के फ्रेंड फ्री हो गए थे, क्योंकि आज हम लोगों ने खाना भी जल्दी खा लिया। इसकी वजह यही है फ्रेंड की साथ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर खाना लेट होता है तो बाकी सारे काम भी लेट होते हैं। तो मैंने साथ को भी खाना खिला दिया, खुद भी खाना खा के हम लोग आ गए बेडरूम में। साथ को मैं पढ़ाने बैठ गई, क्योंकि फ्रेंड जब एक बच्चा स्कूल जाता है ना, जाहिर सी बात है देखो, तो एक बच्चे की मेहनत के पीछे ना उसके माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। बाप अपनी पूरी ज़िंदगी घर से बाहर काम करता है ताकि बच्चे की फ़ीस टाइम पर भर सके, उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, और माँ घर पर रह कर वो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखती है कि बच्चा टाइम से स्कूल जाए, बच्चे का मनपसंद नाश्ता बनाए, उसका फेवरेट डब्बा बांध दें, उसको लंच बॉक्स बना के दें जो बच्चा अच्छे से खा सके। उसकी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है फ्रेंड, तो उसकी यूनिफॉर्म गंदी नहीं होनी चाहिए, उसको फटाक से धो देते हैं हम, इस्त्री कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। फिर देर रात तक जागना, एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ाई करना, भले से फ्रेंड हम अपने बच्चों के संग स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन मेहनत उतनी ही करते हैं जितना बच्चा स्कूल में करता है, और शायद उससे ज़्यादा करते हैं फ्रेंड, क्योंकि घर का काम भी रहता है, अपने पर्सनल काम भी होते हैं, टेंशन भी होती है बहुत सारी, उतार चढ़ाव भी होते हैं ज़िंदगी के, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन वो सब सारी बातें हम अपने बच्चों से शेयर नहीं करते, अपने अंदर रखते हैं और उसके बाद अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो फ्रेंड ये एग्ज़ाम जो होते हैं ना, माँ बाप के भी एग्ज़ाम ही होते हैं, जो शायद बच्चा जब तक कॉलेज चला जाता है तब तक चलते रहते हैं, और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ती रहती हैं। आज मैं सारा काम करके अब मेरा एक महीने तक यही रूटीन रहेगा कि रात में जाकर बच्चे को पढ़ाना, उसको याद कराना, और घर के कामों को मैनेज करना, मतलब सारी चीज़ें। और ये मैं नहीं, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सारी माएँ जो होती हैं वो सभी ऐसा करती हैं। बच्चे के जब फाइनल एग्ज़ाम आते हैं तो माँ बाप टेंशन में हो जाते हैं, सोहेल का फ़ोन दुबई से इतनी बार आ जाता है, पूछते हैं साथ को याद तो है ना, याद कर रहा है ना, वो पढ़ रहा है ना, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसका होमवर्क कंप्लीट है कि नहीं है, वो भी इतनी सारी टेंशन ले रहे हैं फ्रेंड कि ऐसा नहीं है, बच्चे की टेंशन है, बच्चा ही देखे नहीं फ्रेंड, बच्चे के संग संग माँ बाप के भी एग्ज़ाम होते हैं। मैं तो यही समझती हूँ, बाकी आपकी क्या राय आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरा आज का ब्लॉग फ्रेंड अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की ऐसी सारे जो भी मेरी लाइफ है मैं आपके संग ऐसी शेयर करती रहूँ, आपके संग जुड़ी रहूँ, मेरा चैनल आपके साथ ऐसी ग्रो होता रहे। क्योंकि फ्रेंड मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ, आज मैं अपने आप को अकेली नहीं समझती हूँ, मुझे लगता है आप बहुत लोग हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड।